यही चाह रहा है लोग, तो लीजिए ना भैया, आपको ही चाहिए आपको, यही तो आप लोग खोज रहे थे। बहुत प्रेमी ऐसे कर दिल के ई कौन मार करके यू तो जाके ऐसे ऐसे का प्रणाम कर रहे। जखनी बेल के पतैया पे आवत आनी ले तारा मेहरारू चाहे बेटा, तो बड़ी मजा आ रहा था। कलुआ कलुआ सबके देख रहे थे कि मंदिर में जाके हे भगवान हे भोलेनाथ हमारा दिलाता मेहरारू, न चाहे फॉर्च्यूनर न चाहे स्कॉर्पियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हम हैं समीर चौधरी और आज हम इसलिए आए हैं कि इनके अजीज दोस्त भोजपुरी के गायक अभिनेता प्रमोद प्रेमी, जो कि समीर चौधरी के जिगरी दोस्त है, पीछे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि इनके गाना पे प्रमोद प्रेमी जी रील्स बनाते हैं, वायरल भी होता है। वीडियो में पहले देख लीजिए। जो आपने देखा कि प्रमोद प्रेमी जी एक कैसे एक महिला का जो प्राइवेट पार्ट है उसे पूरे भरे मंच से छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, और भैया दूसरे को बड़ी अश्लील का विरोध करते हैं। आपका जिगरी दोस्त जो काम कर रहा है ए भैया, सबसे पहले तो हम ही बता देना चाहते हैं कि प्रमोद प्रेमी छोटा मोटा लिली पुटियन गायक तो है नहीं, ब्रांड ऑफ प्रमोद प्रेमी यदुवंशी। अब हम बता देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जाकर ई वीडियो देखिए। अब बताइए भैया कि प्रमोद प्रेमी ऐसे कर दिल के ई कौन मार करके यू तो जाके ऐसे ऐसे का प्रणाम कर रही है। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोना गाछी से उठ के लोग आती है यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए, कहा भैया क्या वहां जाने तो बड़का हीरोइन बन जाएंगे। हीरोइन कुछ नहीं, ये लोग वो लोग है, मतलब महिला के नाम पे तो ये लोग सबसे पहले कलाकारों के नाम पे कलंकित लोग है। ठीक है, लाख वो गायक है, वो गाना का प्रमोशन के लिए वो अगर वैसे किए तो आप कौन हमारे प्रणाम किए जाके बताइए। तो मतलब क्या करे कि वो इनको छुए पूरा मंच में छुआ छुई सबके सामने। देखिए उसमें औरत बानी भी है, परिवार गेला है उसमें देखने के लिए। ऐसा नहीं होता, रंगारंग कार्यक्रम में परिवार जाते हैं, पूरा रंगारंगी करवा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम मैंने रंगारंग कार्यक्रम करवा रहे हैं। लंगा देखिए जिगरी दोस्त है, हम ये बताते रहे विशाल बाबू दोस्त है। हाल में हमारे दोस्त है वो चिराग पासवान जी चड्डी उड्डी कौन गाना गा दिल थी, हमने ही विरोध भी किया था बोले के बात में, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। अरे भैया वो कलाकार है, वो अपने गाना का प्रमोशन कर रहे हैं, सोना गाछी से उठ के दुनमरी जो है ये जो ऐसे जाकर प्रणाम कर रही है, हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी किट्टी पार्टी समझे है, कभी बंद कमरा में जो चार गो लौंडा जखनी चोली में पैसा डलवाता जखनी मजा नहीं आता है, अखनी अगर दबा दिलको छू दिलको तो बुरा लग रहा है। लोग तो यू कह रहे हैं हमारा कि आप समीर चौधरी नारी का इज्जत करते हो, मैं तोर बहन नाच रहा था कि तोरा मैया नाच रही, वही हम भी पूछ रहे हैं कि समीर चौधरी तो समीर चौधरी तो बहन का इज्जत करते हैं, माँ का इज्जत करते हैं, महिलाओं का इज्जत करते हैं, कौन सा इज्जत आप कर रहे हैं? की बहन कौन बहन? की बहन के मन में बैठ जाइए बाहर भगवा गिरी करे लगे, हाँ जो अंदर गए पूजवा आई लोग कस्टमर विशालवा देवी है, ऐसा वाला भैया हम भाई नहीं हो, बहन बेचवा भाई हम नहीं है। हम हमेशा उन नारियों का इज्जत करते हैं जो हमारे और आपके घर में है, जो कि संस्कार और हमेशा देखते सभ्य तरीके से रहते हैं। ये बाप रे बाप, हमरा ये बताइए ना कि इमें जितना वीडियो देख रहा है, ये वीडियो देखे वाला में से के गो के बहन हुआ नाच रही थी बताइए, नाच रही थी लोग देखने के समाज को ना खराब कर रहा है। सभ्य व्यक्ति है, आपका फॉलोवर है, आपको लोग देखकर चाहता कि आपके तरह बने, कैसे करिएगा पूरा मंच में? अरे भैया हम तो कभी जिंदगी में सब सोच भी नहीं सकते, हमारा कहना नाम है प्रमोद प्रेमी की बात कर रहे हैं। जब भोजपुरी गाना जब आप सुनते हैं तखनी तो मजा लेते हैं, और जखनी वही गाना में चोली ढोही होता है तखनी सजा काहे मिल जा रहा है, आप लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा। ये सरासर टीआरपी का एगो खेला था, वो जो लड़की जो ऐसे प्रणाम कर रही है वो अपने दिमाग में बैठा ली थी कि हमको भैया वायरल होना है, अब वायरल होना है तो देखिए सामान छू के वायरल हो रहा है। पहले प्रमोद प्रेमी जी ऐसे छुए फिर लड़की ऐसे छू दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोद प्रेमी का गाना का शब्द सुनिए, उसमें कहा है ना दोनों मुड़ी तो प्रणाम कर है ना, बस छू के। अरे इससे भी घटिया घटिया गाना बनल है, कम से कम वो गनवा के सामने तो गनवा तोप है जी, होली में देखिए आग लगेगा ही गनवा। लेकिन प्रमोद प्रेमी को तो ट्रोल किया जा रहा है, वो से ट्रोल नहीं है, को बालों नहीं उखाड़ने वाला है कोई, हम है ना खड़ा समीर चौधरी है ना, मतलब अश्लील के साथ प्रमोद प्रेमी के आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोद अश्लील हरकत हुआ है वहाँ। अरे भैया अश्लील हरकत ये किया, पहले जाके देखिए कि अगर लड़का गलत है तो लड़कियां कौन हमारा सही काम कर देती हो, वो भी तो गलत काम की।
तो ताली दोनों हाथ से न बजता है। पैसा के लिए वहाँ नचने गए थे, पैसा के लिए वो बी ग्रेड है, वो नचनिया है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही नाचने वाली को अगर पैसा दीजिएगा चोली में, आपको पता है कि अपना बिहार में सोनपुर मेला लगता था, मेलवा में मेला देखे जाता आदमी की, खाली ठेला देखने जाता है, हैं देखते हैं कौन थिएटर शोभा थिएटर कौन थिएटर में पहुंची देखे जाता आदमी, यही तो नाच देखा जाता है, नाच दूर से भी देखा जाता है, कुछ भी नहीं नाच देखे बता दे रहे हैं विशाल बाबू, तमाम जनता को बता दे रहे। भिखारी ठाकुर जब काम करते थे ना तो उसको बोलते थे नाच, उस समय अगर लड़का कोई लड़की का भेष बदल के अगर नाचता तो उसको असल नाच बोलते थे। इस सब हुआ से उठ सही काम किए ये भैया 200% उस सत्य काम किए, हमारा तरफ से तो कोई खराब काम नहीं है किया, कोई से छू रहा है कोई से छू रहा है, यही हो रहा है। ये गाना का प्रचार छुआ छुबी अपना काम है, जब यही चाह रहा है लोग तो लीजिए ना भैया, आपको चीज चाहिए आपको, यही तो आप लोग खोज रहे थे। अब इसी जगह पे समीर चौधरी अगर प्रमोद प्रेमी का पुतला जरा दे, समीर चौधरी ये भैया हम नहीं करने वाले अभी काम, जैसा आप बोगे पाओगे वैसा है, जो देखेगा वो लोग दिखाएगा। जखनी बेल के पतैया पे आवत आनी ले तारा मेहरारू चाहे बेटा तो बड़ी मजा आ रहा था, कलुआ कलुआ सबके देख रहे थे कि मंदिर में जाके हे भगवान हे भोलेनाथ हमारा दिलाता मेहरारू, न चाहे फॉर्च्यूनर न चाहे स्कॉर्पियो, उसने तो मजा आ रहा था। तो बस ये सब एक ट्रोल कर जाए था भाई, सब एक गाना का प्रमोशन है, समीर चौधरी के विरोध कर रहे सब नहीं लगता है, ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं मोबाइल लगा हुआ है कैमरा लगा हुआ है, आप भी स्टेज शो करते हैं तो उसमें सैकड़ों मोबाइल ऑन रहता है और उस दौरान ये हरकत किया जा रहा है, मतलब वायरल होने की चाह। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने से नहीं किया गया है, वहाँ से कुछ लोग एक दो को फोन नहीं दसों को फोन वहाँ चल रहा था और स्टेज के नीचे तो सैकड़ों फोन चलते रहता, तो ऐसे हर जगह का ये बात रहता। पवन सिंह जी का कभी नहीं देख लेते हैं, हाँ कभी ड्रिंक लेके कुछ बोलते हैं, मतलब बात तो सत्य बोलते हैं लेकिन लोग ओकरा इनने से लेके चला जाता है। तो यहाँ पर हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो कि बाहर से जो कि सोनाकाची जैसे क्षेत्र से निकल के यहाँ पे हमारे तमाम कलाकार जो भोजपुरी में अच्छे अच्छे एक्ट्रेस हैं उनका नाम खराब करने के लिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर भोजपुरी एक्टर भोजपुरी फिल्म भोजपुरी गाना ही हमेशा विवाद में रहा है इतिहास में, उलट के आप देख लीजिए। अरे जेकर नाम रहा विवाद वही न रहा है, बोले के बात है यहाँ। अरे बिहार का हिंदुस्तान के हर कोना में भोजपुरी गाना सुना जाता है, आओ का बता दीजिए। अरे बॉलीवुड तो भूल गया आदमी, साउथ के तो गनों नहीं समझ में आता, आंगड़ू बांगड़ू का नियम करता। तो हमारा कहना है कि म्यूजिक के दुनिया में बेताज बादशाह है भोजपुरी, ओकर बाद मानिएगा तो बॉलीवुड का लिरिक्स से कोई मतलब नहीं है। लिरिक्स से कोई मतलब नहीं, म्यूजिक चाहिए, दम दम धड़ाम चाहिए, धड़ाम धूम चाहिए। भोजपुरी में जब तक धड़ाम धूम नहीं होगा, आपका ब्याह जब हुआ होगा तब पता होगा स्टेज प्रोग्राम है या फिर जो भी बाराती गया होगा तो सबसे पहले पूछिएगा बाराती में कौन गाना पे नाचा था, तो भोजपुरी गाना, लॉलीपॉप लगे लो बस। तो भोजपुरी गाना ही ट्रेंडिंग है भैया, भोजपुरी है सब कुछ। तो चलिए आप लोग यही देखना पसंद है तो यही आप लोग को दिखाया जाएगा, आप यही देखना चाहते हैं वही आपको दिखाने की लोग कोशिश करेंगे। भोजपुरी समाज जो है लगातार विवादों में आ रही है, चाहे भोजपुरी एक्टर की बात कर ले चाहे भोजपुरी फिल्म की बात कर ले भोजपुरी गाना की बात कर ले, शुरुआत से ही ये सिलसिला जारी रहा है और विवादों में इसका गहरा रिश्ता रहा है ना समीर चौधरी जी। तो वीडियो कैसा लगा है प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले, अभी बोल दीजिए। हाँ तो भैया वीडियो को अच्छा लगे तब जाके शेयर करें, अन्ना भी लगेगा मत कीजिएगा। जय हो, धन्यवाद, हो गए काफी है।